हेलो गाइज, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये साउंड टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। यदि इस साउंड पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को सिंपल आपको 10 से 12 सेकंड तक कर देना है वीडियो को अकॉर्डिंग। इसके बाद डन करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो वीडियो शूट कर रखा हूँ कुछ इस तरह से शूट कर रखा हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको यहाँ देखना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है टीम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, लास्ट पॉइंट पे हमें कुछ इस तरह से लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको लास्ट में देखना है कहाँ तक का सीन चाहिए और लास्ट में, तो मैं लास्ट में उसको ट्रिम टू राइट करेंगे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, जो भी कलर का आपको टी शर्ट या शॉर्ट आप पहन रखे हैं वही कलर का आपको जैकेट नहीं पहनना है। जैसा कि आप देख सकते हो शॉर्ट जो मैंने यहाँ पर रेड कलर का पहना हूँ और यहाँ पे जैकेट है या फिर बैकग्राउंड है कोई अदर कलर का होना चाहिए। और जो शॉर्ट आपने पहने हैं, जो भी पहनेंगे आप शॉर्ट या टी शर्ट जो भी कलर का पहनेंगे तो आपको एक कलर का होना चाहिए। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद आपका जो वीडियो है उस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। और कलर की पे आना है, कलर की आपको वही की सेलेक्ट करना है आपको जो कलर का आपको ट्रस या शॉर्ट या टी शर्ट आपने पहन रखे है। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का शॉर्ट पहना हो तो मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डन करता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल शो मास्क पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपको देख रहे हैं ये आपको होता है बैकग्राउंड रिमूव करने को होता है, और ये जो होता है आपका शॉर्ट या टी शर्ट का बैग को, शॉर्ट या टी शर्ट को रिमूव करने के लिए होता है। तो इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, जो आपको शॉर्ट या टी शर्ट आपने पहने हैं बिल्कुल आपको उसे ब्लैक कर देना है कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगभग यहाँ पर ब्लैक कर दिया, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया, तो आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद इसे आपको डन करना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं और देख सकते हैं अब लग रहा है कि वीडियो आपको प्रोफेशनल एडिट हो चुका है। इसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। जैसे कि आप लास्ट में आपको टिकटॉक का लोगो देखने को मिल जाएंगे तो यहीं तक आपको सीन रहने देना है। कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो ओरिजिनल वीडियो को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ और बैकग्राउंड को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको लड़की वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और सही से आपको इसको एडजस्ट कर ले रहा है। तो यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये साउंड अभी टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस साउंड पे वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिंपल इस साउंड पर हमारा, इसके बाद हमें सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।